सुपरवाइज्ड लर्निंग। हमने पिछले चैप्टर में, पिछले सेक्शन में सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रीइन्फोर्समेंट के बारे में जाना था। इस सेक्शन में हम थोड़ा इसको और उदाहरण से समझेंगे। तो ट्रेनिंग डेटा, डेटा इज इनपुट। तो जो भी मशीन लर्निंग मॉडल हम बनाते हैं उसमें ट्रेनिंग डेटा होता है, टेस्ट डेटा होता है। तो ट्रेनिंग डेटा वो होता है जिसको देख करके हम सीखते हैं, जैसा कि हमने अपने पजल वाले एग्जांपल में देखा था। तो यहाँ पर क्या है, उस डेटा को हम इनपुट डेटा कहते हैं, ठीक है। तो इस समय जो आप एग्जांपल देख रहे हैं, जो आप डायग्राम देख रहे हैं, उसमें एक मिनट में जो पॉइंटर ले आता हूँ, ठीक है। तो इसमें जो एल्गोरिथम है, ठीक है, हम जब पजल सॉल्व कर रहे थे तो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन आया था वो वाई इक्वल टू टू एक्स आया था, ठीक है। तो ये हमारा लॉजिक था, मतलब मैथमेटिकल इक्वेशन थी। तो इसमें एल्गोरिथम हमने लगाया था, तो ये एक सिंपल, इसको हम कह सकते हैं कोई भी एक एल्गोरिथम आपने लगाई है, वैसे है ये एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन वाली एल्गोरिथम, बस एज ऑफ नाउ आप ये समझिए कि कोई भी एक एल्गोरिथम हमने लगाई, ठीक है। उस एल्गोरिथम का एक लॉजिक निकल के आता है जब आप, हम ट्रेनिंग डेटा पे काम करते हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, फाइव और सिक्स इनपुट किया हमने, ठीक है। एक मिनट, ये फाइव छुप गया है थोड़ा सा, ठीक है। फाइव और सिक्स इनपुट किया और इलेवन हमारा आउटपुट है, ठीक है, जो हमने क्या कहते हैं आउटपुट है, जो कि वाई था हमारा, ठीक है। अब इसमें आउटपुट से आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये इस एल्गोरिदम का आउटपुट है, ठीक है। ये डेटा हमने, ये इनपुट एक्स है, ठीक है। उसमें हमने दो फीचर हैं यहाँ पर, तो आप ये कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, हमने दो इनपुट डाला, फाइव और सिक्स, और आउटपुट हमारा इलेवन भी डाल दिया, एक एल्गोरिदम लगाई और लॉजिक निकला। जाहिर सी बात है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपका लॉजिक क्या निकला, फाइव प्लस सिक्स इक्वल टू इलेवन, तो ये लॉजिक निकल गया। जब आप इस लॉजिक को, अब क्या है, अब आप टेस्ट डेटा पे, न्यू डेटा पे आप इसको इस्तेमाल करेंगे। तो आपने क्या किया, उस लॉजिक को जो यहाँ पर निकल के आया, 2 प्लस 4 इक्वल टू 6, तो इस तरीके से हम प्रिडिक्ट करते हैं। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात एक ये भी है कि आपको कभी भी आंसर पूरा कंप्लीट नहीं मिलेगा, मतलब 6 से थोड़ा बहुत आगे पीछे मिलेगा। उसका रीजन हम बाद में जब और थोड़ा टिपिकल प्रॉब्लम में जाएंगे तो उसको समझेंगे। अभी के लिए बस इतना समझिए कि एग्जैक्ट रिजल्ट हमें नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये सुपरवाइज्ड लर्निंग होती है। अब सुपरवाइज्ड लर्निंग में दो प्रकार होते हैं, एक मिनट में इसको इरेज कर दूं, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। सुपरवाइज्ड लर्निंग में दो प्रकार होते हैं, एक होता है क्लासिफिकेशन और दूसरा होता है रिग्रेशन, ठीक है। इन दोनों को अब हम समझेंगे। रिग्रेशन क्या होता है, जब हमारी प्रॉब्लम में जो आउटपुट है वो एक कंटिन्यूस वेरिएबल हो, मतलब जैसे अगर मैं कह दूं कि आपको प्रिडिक्ट करना है एक आदमी की एज अपने मॉडल के आधार पे, ठीक है। जैसे कि हमने जो हमारी पजल थी उसमें क्या था, आउटपुट जो था वो कोई भी एक नंबर हो सकता था, वो हमको पहले से नहीं पता है, तो एक रिग्रेशन प्रॉब्लम है। जैसे एज ऑफ ए पर्सन है वो कोई भी एक नंबर हो सकता है, सो दैट इज अ रिग्रेशन प्रॉब्लम। क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि आपने कैटेगरी बना दी है, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आपको कहा गया है कि एक पर्सन डायबिटिक पर्सन, एक डेटा दिया गया और उस डेटा में दे दिया गया कि ये फीचर है, उसके आधार पे ये पर्सन डायबिटिक है, ये पर्सन डायबिटिक नहीं है। आपने मॉडल को ट्रेन किया, फिर आपने नए मॉडल पे, नए डेटा पे देखा फीचर के आधार पे कि एक पर्टिकुलर पर्सन डायबिटिक है कि नहीं है, तो यहाँ पर कैटेगरी होगी कि डायबिटिक यस और नो। तो रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन में यही अंतर है। रिग्रेशन कंटिन्यूअस होता है, कोई भी वैल्यू आ सकती है। क्लासिफिकेशन आपको पता है, कैटेगरी पहले से पता है, या तो ये डायबिटिक यस होगी या फिर नो होगी,
इस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है। ये दोनों में अंतर है, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। अब रिग्रेशन को थोड़ा सा और समझते हैं। ये मान लीजिए कि एक ये लेफ्ट साइड में जो आपके इमेज दिख रही है उसमें ग्राफ है, ठीक है। एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, सेम चीज है, ठीक है। अब इसमें वेरियस डेटा पॉइंट हैं, ठीक है। अगर हम एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, बेस्ट फिट जो लाइन हमारे जो जैसे जो लॉजिक है जो हम पहले भी देखे हैं, वाई इक्वल टू टू एक्स, ठीक है, वो हमने एक लॉजिक डेवलप किया है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आई। तो इन सारे पॉइंट को, जितने भी पॉइंट आपको राइट साइड में दिख रहे हैं, इन सबका जो बेस्ट फिट लाइन है वो रेड वाली है, इसको हम कहते हैं बेस्ट फिट लाइन, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड रिग्रेशन प्रॉब्लम। इसमें हम बेस्ट फिट लाइन देखते हैं और फिर उस आधार पर प्रिडिक्शन करते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल इसी में मैं ले लूं, अब इसमें ये जो पॉइंट है एक्स, ठीक है, ये वाई एक्चुअल है, इसकी एक्चुअल वैल्यू है, लेकिन जब आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो ये जो वाई यहाँ पर आएगा इसकी वैल्यू यहाँ से आएगी, वाई प्रिडिक्शन, ठीक है। इसको हम और डिटेल में जब हम रिग्रेशन का चैप्टर करेंगे उसमें और डिटेल में देखेंगे। तो अभी के लिए रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन में ये फर्क होता है। क्लासिफिकेशन, कुछ क्लासिफिकेशन के मॉडल हैं जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, ग्रेडियंट बूस्टिंग ट्री, मल्टीलेयर परसेप्शन। ये फ्यू एग्जांपल्स हैं जिसमें क्लासिफिकेशन मॉडल, ये एल्गोरिदम यूज करके क्लासिफिकेशन इंप्लीमेंट करते हैं। क्लासिफिकेशन के एक एग्जांपल जैसे मैंने दिया डायबिटिक है, एक दूसरा भी हो सकता है। जैसे एक क्वेश्चन है कि कल शेयर मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे आ जाएगा, तो इसको भी हम क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम है, क्योंकि हम इसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं या प्रिडिक्शन करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन इतना ही। अगले चैप्टर में जब हम क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन डिटेल में जाएंगे तो उसमें हम प्रॉब्लम के और डीप में जाएंगे, किस तरीके से हम इक्वेशन पे अराइव होते हैं, किस तरीके से लॉस फंक्शन कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट करते हैं, ये सब चीज़ उसमें देखेंगे। अगले सेक्शन में हम थोड़े से सब क्विज लेंगे क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन को थोड़ा सा और समझने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।